अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। संसद के अंदर कई बार ऐसा माहौल बन जाता है कि बहस खूब तेज हो जाती है तो कई बार संसद के अंदर मजाक भी देखने को मिलता है। देखिए, सांसद हनुमान बेनीवाल ने जब प्रश्नकाल के दौरान अपना प्रश्न पूछा तो स्पीकर महोदय ने उन्हें संक्षिप्त में बोलने के लिए कहा तो किस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने ये कॉमेडी कर दी। बहुत चिंता का विषय अध्यक्ष महोदय, और विशेष रूप से आज लास्ट साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जहां सबसे ज्यादा गरीबी अध्यक्ष महोदय, और यहां से बड़े सपने दिखा के बच्चों को, महिलाओं को और बाहर ले जाया जाता है अध्यक्ष महोदय। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी राजस्थान का परसेंटेज इन्होंने 70 बताया, पश्चिम बंगाल के बाद सही राजस्थान के अंदर भी लगातार कांग्रेस की सरकारें रही, वहां की सरकारों का भी कहीं न कहीं ऐसे लोगों को संरक्षण होता है जो बाहर भेजने का काम करते हैं, ऐसे गिरोह बनते हैं। मैं दो ही मेरे सवाल पूछना चाहूंगा। एक अध्यक्ष महोदय निवेदन था, मेरे बाड़मेर का एक मामला था जिसमें उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया, 30 वर्ष से बेचारा बैठा लेकर। ऐसे माननीय सदस्य, एक घटना पर आधारित लोकसभा में प्रश्न नहीं होता है, आप पॉलिसी मैटर पर प्रश्न पूछें। थोड़ा माहौल भी तो बनाना है। नहीं, नो माहौल बन। अच्छा, मैं थोड़ा माहौल भी तो बनाना है। नहीं, नो माहौल बन। अच्छा, मैं पूछू अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार भारतीय दंड संहिता की धारा 370 बदलने का विचार कर रही है, नंबर एक मंत्री जी। और दूसरा भी पूछ लूं, भारत द्वारा 2019 में विभिन्न देशों जैसे सऊदी अरब के साथ मानक तस्करी तथा नशीली दवाइयों, मादक पदार्थों और प्रतिबंधित रसायनों की अवैध बिक्री को रोकने के लिए MOU करने पर विचार किया गया था, इस संबंध में क्या प्रगति हुई, इसका विवरण प्रदान करें। क्या ऐसा कोई MOU अन्य देशों के साथ भी भारत करना चाहता है जो खाड़ी के देश है, इसके बारे में मंत्री जी आप बता दें। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।